नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ईएमपीएस योजना के तहत प्रोत्साहन की मंजूरी मिली। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय ने 4 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर नेक्सस, प्राइमस, मैग्नस और जील को एक सरकारी योजना ईएमपीएस के तहत पंजीकरण की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ कंपनी को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा मिलेगा। पहले से ही ईएमपीएस योजना के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र है। नई मंजूरी के बाद कंपनी के सभी योग्य टू व्हीलर अब इस योजना में शामिल हो गए हैं। इससे कंपनी को पूरे भारत में सस्ती और टिकाऊ यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने ईवी इनोवेशन के लिए 6 मिलियन डॉलर जुटाए। क्लीन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्ज होने वाली बैटरी और लंबे समय तक चलने वाली ग्रिड बैटरी बनाती है। इस कंपनी ने सीरीज ए फंडिंग में 6 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व इन्फो एज वेंचर्स, पीआई वेंचर और कलारी कैपिटल ने किया है, जिसमें लोक कैपिटल और अन्य रणनीतिक निवेशकों ने भी भाग लिया। ये निवेश क्लीन इलेक्ट्रिक को मॉडर्न एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्रांति लाने में मदद करेगी। होंडा इंडिया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्च 2025 तक लॉन्च करेगी। भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में मुकाबला बढ़ रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया अपनी पहली ईवी को मार्च 2025 तक लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह नया होगा, इसलिए होंडा इसके लिए एक नया नाम रख सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी अपनी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी होंडा ई स्वैप का उपयोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर देने के लिए करेगी। ईवी में टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट यूनिट, कनेक्टेड फीचर्स, कीलेस ऑपरेशंस जैसे कई अन्य फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं। एचडी कुमार स्वामी ने कहा, सरकार ईवी चार्जिंग और रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दे रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की वृद्धि के लिए मंत्रालय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी एकीकरण पर ध्यान दे रहा है। सरकार ने पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम योजना के तहत प्रोत्साहित किया है। मार्च में फेम 2 योजना की समाप्ति के बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। सरकार 1 या 2 महीने में फेम योजना का तीसरा चरण लॉन्च कर सकती है। अस्थाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ईएमपीएस 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। बेस्कॉम ने ईवी चार्जिंग को आसान बनाने के लिए नया ऐप लॉन्च किया। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम ने अपने ईवी मित्रा ऐप के लिए नया इंटरफेस लॉन्च किया है, जो ईवी उपयोगकर्ताओं को अपने वाहनों को चार्ज करने में मदद करता है। बेस्कॉम ने कहा, ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपकरणों के लिए उपलब्ध है और ये ईवी चार्जिंग को आसान, सुलभ और खुशहाल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईवी मित्रा ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके अनुभव को व्यक्तिगत बनाने की सुविधा देता है। ये ऐप चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी जैसे कि स्थान, उपलब्धता और सुविधाएं दिखाता है। इसमें ओटीपी या आरएफआईडी के माध्यम से सुरक्षित लॉगिन की व्यवस्था है और उपयोगकर्ता चार्जर को रिजर्व कर सकते हैं और अपनी बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।